टी20 वर्ल्ड कप 2024 में भारत अपना पहला सुपर 8 राउंड मैच खेल रही है। इसमें टीम इंडिया के सामने अफगानिस्तान की चुनौती है। इस मैच में भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। वहीं भारतीय खिलाड़ी अपनी बाजू पर काली पट्टी बांधकर उतरे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं भारतीय खिलाड़ियों की काली पट्टी बांधने की वजह? दरअसल पूर्व क्रिकेटर डेविड जॉनसन ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी कलाई काली पट्टी से बांध ली। बता दें कि डेविड जॉनसन तकरीबन 53 साल के थे और उनके सुसाइड के बाद पूर्व भारतीय कप्तान अनिल कुंबले ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी और उन्होंने डेविड जॉनसन को याद किया था। बता दें कि इस खिलाड़ी ने भारत के लिए 10 अक्टूबर 1996 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिल्ली में डेब्यू किया, जबकि डेविड जॉनसन ने भारत के लिए आखिरी मैच 26 दिसंबर 1996 को खेला। इसके बाद वह कभी टीम इंडिया के लिए नहीं खेले। बता दें कि अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 181 रन बनाए, जिसके जवाब में अफगानिस्तान 20 ओवर में 134 रनों पर ही सिमट गई। वहीं तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह की बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अफगानिस्तान के बल्लेबाज ढेर हो गए। वहीं सूर्य कुमार 28 गेंदों पर 5 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 53 रन बनाकर आउट। इसके अलावा भारतीय उप कप्तान हार्दिक ने 24 गेंदों पर 3 चौकों और 2 छक्कों के सहारे 32 रन बनाए। अंत में अक्षर पटेल ने कुछ अच्छे शॉट खेले, जिसकी मदद से भारत 180 रनों का आंकड़ा बनाने में कामयाब रहा।